बारोट थाना अंतर्गत ग्राम मुआना में शुक्रवार शाम को आपराधिक षड्यंत्र रचकर कुचामन पीडब्ल्यूडी एक्शन कैलाश गंगल पीडब्ल्यूडी ठेकेदार नरेश भुगासरा राजूराम जाट ने अपने भाइयों और सड़क पर काम करने वाले श्रमिकों के साथ मिलकर मारोट निवासी पत्रकार हितेश रारा जैन व पांचोता निवासी पत्रकार गोपाल लाल कुमावत को अलग अलग कमरों में बंधक बनाकर श्रमिकों के साथ मिलकर लात घूसों से जमकर मारपीट की। साथ ही दोनों पत्रकारों के फोन छीन लिए। हमले में दोनों पत्रकारों के गंभीर अंदरूनी चोट आई है, जिनका घर पर रहकर उपचार जारी है। मिली जानकारी के अनुसार पत्रकार हितेश रारा ने बताया कि हम निर्माणधीन स्टेट हाईवे 19 सुरेरा से कुचामन एवं अन्य सड़कों के निर्माण में धांधली अनियमितताओं को लेकर पीडब्ल्यूडी एक्शन कैलाश गंगल से दूरभाष पर मामले में उनके बाइट चाहे। एक्शन ने व्यस्तता का हवाला देते हुए 1-1.5 घंटे पश्चात बात करने को कहा। पत्रकारों ने 1-2 घंटे बाद एक्शन गंगल से बात की तो पत्रकारों को ग्राम मुआना स्टेट हाईवे 19 पर आकर शाम करीब 5:15 बजे मिलने की बात कही। एक्शन गंगल से दूरभाष पर बात होने के पश्चात दोनों पत्रकार अपनी गाड़ी से एक्शन के बताए गए स्थान पर पहुंचकर सड़क किनारे खड़े होकर अधिकारी गंगल का इंतजार करने लगे। कुछ समय पश्चात ठेकेदार के सफ़ेद रंग के स्कॉर्पियो गाड़ी में ठेकेदार राजू राम जाट के साथ बैठकर एक्शन गंगल वहां पहुंचे और इंतजार कर रहे दोनों पत्रकारों से बातचीत करने लग गए। मैं पत्रकार हितेश रारा, कल शुक्रवार को मैंने पीडब्ल्यूडी अधिकारी एक्शन कैलाश दंगल जी से बात की, सड़क की अनियमितताओं को लेकर उनसे बैठ चाही, उनसे बयान लेने थे कि क्या इन सड़कों में जो ये अनियमितता बरती गई है इस बारे में आपका क्या कहना है। तो उन्होंने कहा कि मुझे 1 घंटे का टाइम दो, मैं आपको वापस बताता हूँ। 1 घंटे निकलने के बाद करीब 2 घंटे बाद मैंने फ़ोन लगाया कि सर बताया नहीं आपने कि क्या लिखना है आपकी तरफ से। तब उन्होंने कहा कि आप एक काम करो, 5:15 बजे आप मौका स्थल पर आ जाओ, वहीं पर मैं मिलूँगा। उन्होंने मुआना बुलाया हमें, हम वहाँ पर पहुँचे। हमने सोचा कि मौके पर अधिकारी जा रहे हैं तो अच्छा कवरेज होगा, तो हम वहाँ पर पहुँचे। हमें ये पता नहीं था कि साजिश के तहत उन्होंने प्रोग्राम बना रखा था ठेकेदारों के साथ। हम जैसे ही वहाँ पहुँचे, उन्होंने ठेकेदारों के साथ मिलकर, हम वहाँ पहुँचते ही उन्होंने हमारे साथ चाय पानी की व्यवस्था के लिए मनवार की, तो हमने मना कर दिया कि नहीं, हमें तो आपकी बाइट लेनी है, आप बताओ कि क्या कहना चाहते हैं। तब ज़बरदस्ती हमें सामने ऑफिस में बैठाया और हमें बंधक बनाकर हमारे साथ मारपीट की और हमारे मोबाइल छीन लिए। करीब 2 घंटे बाद पुलिस आई, तब हमें हमारे मोबाइल दिए गए और पुलिस ने हमारे साथ जो घटना हुई वो हमसे पूछी, और उन्होंने सामने वाली पार्टी जो ठेकेदार ने झूठे मुकदमे दर्ज कराकर हमारे पर SC ST सहित कई विभिन्न आरोप फिर हमारे साथ मुकदमे दर्ज करवाए और हमारे साथ खूब मारपीट की। हम अभी दर्द से हमें परेशान हैं और हमारे शरीर पर जगह जगह सूजन आ रखी है। देर रात्रि हम दो पत्रकार थे, गोपाल जी कुमावत और मैं, हम दोनों ने भी रात में बारोट थाने में रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट देकर हमने मुकदमा दर्ज करवा दिया है। अब पुलिस से उचित कार्रवाई की मांग करते हैं कि वो उचित कार्रवाई करें। हमें कानून पर, पुलिस पर पूरा भरोसा है कि वो उचित जांच करेंगे, झूठे मुकदमे उनको खारिज करेंगे और जो सही मुकदमा है, न्यायोचित है, उस पर कार्रवाई करेंगे और हमें न्याय दिलाएंगे।